जैसे वीरभूमि मेवाड़ राजस्थान आपका स्वागत करता है। नाश्ते के अभी किया जस्ट रख लो। अरे रख लो। ये मंदिर है और पीछे आप हराई भी देख लीजिए। जय द्वारकाधीश, जय श्री राम। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई सीरीज में, एक और नए वीडियो में। अभी मैं हूँ फिलहाल अहमदाबाद के आउटर पे। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, आप देख लीजिए, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और डेट हो रही है 16 जनवरी 2024। जी हाँ, हम हमारी जर्नी के लिए तैयार है। आप लोग भी तैयार हो जाइए मेरे साथ अहमदाबाद से राम मंदिर अयोध्या के लिए। मेरी गाड़ी तैयार हो चुकी है तो आप लोग भी तैयार हो जाए। कमेंट में जय श्री राम लिख देना ताकि मुझे एक प्रेरणा मिले। अयोध्या का डिस्टेंस है तकरीबन समझिए 1300 से 1400 किलोमीटर की जर्नी है। देखते हैं कितने दिन में पहुंचते हैं, 22 तारीख से पहले पहुंचना है। कैसा हमारी जर्नी रहती है, कैसी यात्रा रहती है, आज हमारा पहला दिन है। सब कुछ आपको दिखाया जाएगा डे वाइज डे, कहाँ पे मैं रुकता हूँ। गाड़ी में आपको पहले दिखा देता हूँ, ये गाड़ी हमारी है हीरो स्प्लेंडर प्लस 100cc की बाइक है, 2021 का मॉडल है। पेट्रोल पुरवा देते हैं, किलोमीटर कितने हुए वो भी दिखा देता हूँ, फिर हम निकल दे हमारे रामलला जी के धाम अयोध्या के लिए। तो कमेंट में जय श्री राम लिखना। देख लीजिए हमारी गाड़ी, इसका नाम मैंने रखा है राम प्यारी, और राम प्यारी कैसा नाम है मुझे कमेंट में बता देना। जो किलोमीटर पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए 44,537। ठीक है, अभी यहाँ से अहमदाबाद से स्टार्टिंग होगा, अहमदाबाद टू अयोध्या राम मंदिर। ये फ्लैग हो चुका दो, ये हमारा जो आप बोल रहे थे ना मोटर ब्लॉकिंग सेटर, ये कुछ है एक्शन प्रो का कुछ, ये वाला देख लीजिए। और इंजन ऑयल फिर सर्विस सब कुछ मैं करवा चुका हूँ कल 15 तारीख को। और देख लीजिए बैग, इसमें जो मेरा कपड़ा वपड़ा सब सामान इसमें है, और इलेक्ट्रॉनिक सामान मेरे पास है अभी अहमदाबाद से अयोध्या राम मंदिर। ठीक है, और एक लाइट भी छोटी लगाइए ताकि पीछे वाले को पता चले। और ये हमारा जो फ्लैग हो चुका है श्री राम भगवान जी का, पेट्रोल पुरवा लेते हैं, पेट्रोल है नहीं टंकी फुल करवा लेते हैं, फिर निकलते हैं हमारे अयोध्या धाम के लिए। गाड़ी में पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, फुल करवा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। पेट्रोल हो चुका है फुल, आप देख लीजिए कितना लीटर आया, 7.5 लीटर जैसा कुछ आया, 701 रुपीज। अभी चलते हैं और आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों पेट्रोल हो चुका है फुल, आप देख लीजिए, और हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। और ये जो है अहमदाबाद का SP रिंग रोड है बाईपास, और यहाँ से जो है हम अहमदाबाद उदयपुर 6 लेन हाईवे लेंगे जो इजी रहेगा। वैसे अहमदाबाद से अयोध्या बहुत सारे रास्ते जाते हैं, जो इजीएस्ट रास्ता है मैं आपको दिखाऊंगा। जय श्री राम। उदयपुर यहाँ से 35 किलोमीटर है, अभी आगे सर्कल आएगा, ये नरोडा सर्कल है अहमदाबाद का एंडिंग पॉइंट। यहाँ से अभी हम लेंगे ले और चलेंगे अहमदाबाद उदयपुर 6 लेन हाईवे पे। दोस्तों लेफ्ट लेने के बाद आ चुका है NH 48, ये है अहमदाबाद उदयपुर 6 लेन हाईवे। दोनों साइड फेंसिंग की हुई है, बहुत ही बढ़िया हाईवे है। ये जो लोकल एरिया है वो है गियोड, आ चुका है गियोड मिनी अंबाजी। यहाँ से बाहर से दर्शन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे सॉन्ग चल रहा है कॉपीराइट ना इसके लिए, और कमेंट में जय श्री राम मालिक देना। अभी चलता है, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है। देखो दादा ने ये प्रसाद ही दिए वहाँ चढ़ाने के लिए, अभी रखते है और निकलते है। दोस्तों दर्शन हो चुके है और निकलते है। यहाँ से जो सामला जी का डिस्टेंस है 93 किलोमीटर है वाया हिम्मत नगर होके। अभी 93 किलोमीटर हम नॉनस्टॉप गाड़ी चलाएंगे और वहाँ पे स्टे लेंगे। देखते हैं घंटे और 23 मिनट दिखा रहा है, अभी देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। 9 बज चुके हैं, करीब 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाने चाहिए। जय श्री राम, और सभी का प्यार मिल रहा है मुझे हाईवे पे। दोस्तों 10 बज चुके हैं लेकिन अभी तक फिलहाल मैंने हिम्मत नगर क्रॉस नहीं किया है, उसकी वजह यह है कि जो हमारा जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं आ रहा है, तो बार बार मुझे रुकना पड़ता है और देन चेक करना पड़ता है भी जो है ऐसा ऑडियो क्लियर है कि नहीं, मुझे कमेंट बता देना। दोस्तों 11:30 बजने को आए, क्रॉस नहीं किया हिम्मत नगर पे क्योंकि ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, माइक जो एडजस्ट है वो नहीं हो रहा है। मैंने कल चेक किया था लेकिन अभी पता नहीं हो रहा है। अभी सामला जी यहाँ से कुछ 55 किलोमीटर के समथिंग है और यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के समथिंग हिम्मत ना करे। अभी देखते हैं 11:30 बजे कितने बजे सामला जी पहुँचते है। जय श्री राम। आ रखो इसके लिए, बस आपके लिए मंदिर में, आप मंदिर में चढ़ाओ या आप चाय पानी पियो कोई बात नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए 100 रुपीज दिया, मैं तो ये माइक ठीक करने के लिए खड़ा रहा था,
अभी हिम्मत नगर यहाँ से 6 किलोमीटर है दोस्तों। 11:50 के समथिंग होने आई और क्रॉस कर रहे हैं हिम्मत नगर को, हिम्मत नगर बाईपास। ये हिम्मत नगर सिटी अंदर चली जाएगी, हम यहाँ से सीधे उदयपुर की ओर ही चलेंगे। देखते हैं अभी कितने बजे सांबला जी पहुँचते हैं। 12 बज चुके हैं, मेरे भी 12 बज चुके हैं। दोस्तों यहाँ से सांबला जी है 30 किलोमीटर। अभी देखते हैं, एक तो बज चुका है राइट, अभी कितने बजे पहुँचते हैं सांबला जी। ये सीधा उदयपुर की ओर जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे। वो सामने ही है मंदिर, ये रहा मंदिर। गाड़ी को पार्क करके फिर आपसे बातचीत करता हूँ। दोस्तों 1:36 के समथिंग हो रहा है और पहुंच चुके हैं सांबला जी। आप मेरे पीछे मंदिर देख लीजिए, ये रहा मंदिर। अभी फिलहाल बंद है, 2 से 3 के बीच में खुल जाएगा और थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे, चार्जिंग वार्जिंग करते हैं। ये मंदिर है और पीछे आप अराइवी हिल्स देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। और ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, अभी कुछ यहाँ पे इंतजाम करता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से उदयपुर की ओर। उदयपुर से आगे नाथद्वारा था, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग मुझे मिल चुका है मंदिर के जस्ट बगल में ही, थोड़ा चार्जिंग वार्जिंग करते हैं। दोस्तों 2:25 हो रही है, चार्जिंग हो चुका है यहाँ पे और मंदिर भी खुल चुका है, तो आपको दर्शन करवा देते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से आप दोस्तों दर्शन हो चुके हैं, 2:40 के समथिंग होने आई। अभी यहाँ से नाथद्वारा 180 किलोमीटर है वाया उदयपुर होके, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। 127 किलोमीटर है अहमदाबाद से सांबला जी। घर से मैंने नाश्ता लाया हूँ थेपला, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं लगी क्योंकि टेंशन मुझे ऑडियो का है इसके लिए। और आप सामने का नज़ारा देख लीजिए दोस्तों, आ चुका है NH-48 वापिस से अहमदाबाद उदयपुर 6 लेन हाईवे। अभी जस्ट आगे बॉर्डर आएगा, उसके बाद बहुत ही बढ़िया घाट वाला सेक्शन भी आएगा। अभी तो मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, कई अच्छी जगह पे चाय पानी करेंगे। दोस्तों आ चुकी है गुजरात राजस्थान बॉर्डर, रतनपुर बॉर्डर। यहाँ से हम एग्जिट लेंगे गुजरात से और राजस्थान में एंट्री लेंगे। जैसे वीर भूमि मेवाड़ राजस्थान आपका स्वागत करता है, राजस्थान में भी आपका स्वागत है। राजस्थान में आ चुके हम, स्टार्ट हो जाता है घाट आपका 6 लेन घाट, खूबसूरत घाट वाला ये सेक्शन है। 6 लेन हाईवे है, घाट पे पहाड़ों को काट के बनाया हुआ है। दोस्तों 4:30 और क्रॉस कर रहे हैं खेरवाड़ा को, राजस्थान खेरवाड़ा को। अभी देखते हैं उदयपुर कितने बजे पहुंचते हैं, और मुझे माइक भी लेना है, अगर ऐसा रहा तो हम उदयपुर में ही स्टे कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे राजस्थानी वासियों ने बुला के चाय पी के जाइए आप, तो हम थोड़ा चाय वाय पी रहे थे। वैसे मैं सोच रहा था उदयपुर में जाके चाय नाश्ता करूंगा। दोस्तों 6 बजने को आए उदयपुर से 20 किलोमीटर पहले कुछ काया करके ये जगह है, यहाँ पे चाय पीने के लिए खड़े हैं। हमारे राजस्थान वासियों ने बोला कि चलिए आप चाय पी के जाइए यहाँ पे। मैं वैसे सोच ही रहा था कि चाय नाश्ता करूँ और गाड़ी को भी आराम करूँ, मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँ, तो यहाँ पे चाय वाय पियेंगे फिर उदयपुर की और आगे बढ़ेंगे। अभी देखते है, मेरे ख्याल से आज उदयपुर में स्टे करते हैं, और जो माइक लेना है वो भी उदयपुर से ले लूंगा, और जो आज का जो आज नाइट में मैं पूरा जो है सेटअप कर दूंगा, तो कल हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे आज हम नाथद्वारा में स्टे करने वाले थे, लेकिन उदयपुर में स्टे करेंगे, ठीक है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कहाँ से हो? राजस्थान? राजस्थान उदयपुर से। उदयपुर से, ओहो। आप? जय श्री राम, जय श्री राम, राजस्थान उदयपुर से। उदयपुर से, सो ये है, देख लीजिए, ये प्यार मिलता है जब आप निकलते हैं। और आप भी आ जाइए, आ जाइए, सब भाई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलिए, जय श्री राम। हाँ, जो बराबर। सो ये सब भाई है, आप देख लीजिए, इनका प्यार मिलता है तभी तो हमारी जर्नी सफल होती है। चाय आ चुकी है, राजस्थानी स्पेशल। जय सियाराम। चलिए चलते हैं, चाय पानी हो चुका है, अभी उदयपुर की ओर चलते ही। अभी किया जस्ट, अरे रख लो, रख लो। दोस्तों आ चुका है एंट्री गेट उदयपुर का, अभी उदयपुर में एंट्री ले रहे हैं हम। ये है एंट्री गेट उदयपुर में, एंट्री हो चुकी है 6:10। तो ये है उदयपुर सिटी, यहाँ पे रहने की और माइक लेना है वो भी मुझे ढूंढना है, वो ढूंढ के आपसे मिलता हूँ। दोस्तों ये है रेलवे स्टेशन उदयपुर सिटी का, फिलहाल रिनोवेशन चल रहा है। चलिए दोस्तों, माइक तो मिल चुका है, यहाँ से लिया
₹200 लिया है। अभी देखते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं। चलिए अभी यहाँ से चलते हैं पहले बस स्टैंड की ओर, क्योंकि रहने की सुविधा वहाँ पे हो जाएगी हमारी। और लाइट चालू करता हूँ, देख लीजिए वाइट कलर की लाइट लगवाई है। 7:30 बजने को आए और ये कुछ है राज पैलेस करके होटल, और ये रही हमारी गाड़ी। यहाँ पे हमको हमारे राम भक्त मिल गए हैं। वैसे मैं यहाँ पे पूछने आया था, जय श्री राम, इनसे पूछने आया था, है कुछ डोरमेट्री कुछ हॉस्टल टाइप, तो इन्होंने बोला आप अयोध्या जा रहे ऐसे ही रुक जाइए। और ये तो हमको बीच में मिले थे, और ये भी, सो ये सब राम भक्त है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। और अभी यहाँ हम रुकेंगे, ये जो है उदयपुर बस स्टैंड है, जो वही राज पैलेस। डोरमेट्री भी यहाँ पे, रूम भी अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, पहले गाड़ी को लगा देता हूँ और देन फिर हम ऊपर चलते हैं डोरमेट्री में। आप देख लीजिए ऐसी कुछ डोरमेट्री है। वैसे आपको एक ऐसे चादर तकिया और एक गद्दा दिया जाता है, ₹100 की प्राइस है। ऑनलाइन भी है, सब कुछ आप सर्च कर सकते हैं राज पैलेस उदयपुर में। दोस्तों राइट 9:30 बजे और के लिए आया ऊपर, और कुछ ₹80 इसकी थाली है, फिक्स थाली राजस्थान। टोटल आज हमने 250 किलोमीटर की जर्नी की है अहमदाबाद से उदयपुर तक। देखा और माइक का प्रॉब्लम हुआ, वैसे यहाँ पे आके फॉल किया। अभी देखते हैं डे 2 में, कल 17 तारीख को सुबह मैं निकलूंगा यहाँ से। और ऐसे न्यूज भी आया कि 20 तारीख से पहले आपको अयोध्या में एंट्री ले लेनी है, तो देखते हैं 20 तारीख से पहले पहुंच जाएंगे, आराम से ही जाएंगे। अभी कल उदयपुर से निकलेंगे, आज नाथद्वारा स्टे करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रुकना पड़ा। बाकी गाड़ी भी कम्प्लीट चली, घर से मैं थेपला लाया था वो भी अभी पड़ा हुआ है, तो कल चाय के साथ खाएंगे वो। वैसे थेपला तो बिगड़ता नहीं है, राजस्थान में ठंड बहुत ज्यादा। डे 1 को यहाँ पे एंड करता हूँ। अहमदाबाद टू अयोध्या राम मंदिर पहला दिन यहाँ पे समाप्त होता है, तो मिलता हूँ आपको दूसरे दिन में कल 17 तारीख को। तब तक के लिए जय श्री।